हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी के बारे में, जी हाँ, IDFC लिमिटेड के बारे में, जिसकी बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनीज भी हैं, जिसमें से IDFC फर्स्ट बैंक भी एक उन्हीं में से है। सबसे पहले अगर चार्ट को एनालाइज करें तो चार्ट को मैं यहाँ से मंथली चार्ट के ऊपर लेके चलूँगा, और अगर आप इस मंथली चार्ट को एनालाइज करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक फॉलिंग वेज पैटर्न आप यहां से देख सकते हैं कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न हमें यहां से देखने को मिला, और कोविड के टाइम पे ये बहुत बुरी तरह से यहां से नीचे की तरफ आया था। उसके बाद रिकवरी करके ये फिर से उसी चैनल में अब ये मूव कर रहा है, तो यहां से चांसेस हैं कि ये इस पर्टिकुलर टारगेट को हिट कर सकता है। तो टारगेट देखेंगे कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी इसके अंदर हम लेके चल सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ से एक राइजिंग वेज पैटर्न की, तो उसको हम यहाँ पे डे चार्ट के ऊपर लेके चलेंगे। सो डे चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे कोविड के बाद की बात करें, उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे राइजिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये राइजिंग वेज पैटर्न जो है वो यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा है। सो करंटली अगर हम इस राइजिंग वेज पैटर्न की बात करें तो अभी ये इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर है। यहाँ से प्राइस मैक्सिमम देखें तो यहाँ तक आ सकता है, और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो वापस ये अपने इसी चैनल में यहाँ से ऊपर की तरफ ये मूव कर सकता है, और प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो 100 प्लस का टारगेट दिया जा सकता है। अभी जो प्राइस है वो 55.75 के राउंड है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टारगेट क्या क्या हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। और अगर चैनल की बात करें, इसी चैनल में मूव करता है तो 100 रुपीज़ तक का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। सो अभी करंटली हमारे पास जो पैटर्न अभी बना है, तो अभी मैं डे चार्ट के ऊपर की बात करूँ तो डे चार्ट के ऊपर हमारे पास जो पैटर्न देखने को बना है, तो हमारे पास यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो कंप्लीट हुआ है। सो ये कप एंड हैंडल पैटर्न की अगर बात करें तो ये पैटर्न हमारा यहाँ से बन के कम्प्लीट हो गया। तो अगर इस कप एंड हैंडल पैटर्न की बात करें तो जितनी कप की यहाँ से हाइट होती है उतना नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइट देखेंगे कितने परसेंट की रिटर्न उसने यहाँ पर दी है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट हम उतने परसेंट की रिटर्न यहाँ पर लेके चलेंगे। तो अगर हम हाइट देखें तो यहाँ पे 19.40 और 46% की रिटर्न हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 19 रुपीज़ इसने यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया है, तो 19.40 अगर यहाँ से भी लेके चलें, अगर वापस जितनी इसकी हाइट है तो यहाँ तक अगर टारगेट लेके चलें तो टारगेट हमारा 80 रुपीज़ के अराउंड होता है, लेकिन अगर 46% की रिटर्न लेके चलें, 46% की रिटर्न के हिसाब से जो टारगेट है वो यहाँ पे 90 रुपीज़ का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। तो 90 रुपीज़ और 89 रुपीज़ के राउंड टारगेट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक जो IDFC का टारगेट है वो यहाँ तक हो सकता है। अब किस हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से सपोर्ट लेवल हैं, कौन कौन से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल हैं, तो सीधा चार्ट को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो इस चार्ट की अगर हम बात करें तो अभी करंट प्राइस 55.75 रुपीज़ चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चांसेस ये हो सकते हैं कि ये जो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न अगर हमें देखने को मिला है तो ये बनने के बाद यहाँ से जैसे यहाँ तक पहुँच गया था, यहाँ पे या तो यहाँ से वापस एक ग्रीन कैंडल बनेगी करंटली, जिसको ये पूरा कम्प्लीट करेगा, ये कैंडल पूरी कम्प्लीट होगी और हमारा कम्प्लीट कप एंड हैंडल पैटर्न जो नीचे तक आया है यहाँ से ऊपर तक नहीं गया, तो ये हो सकता है, या यहाँ तक ही उसको कप एंड हैंडल पैटर्न बनाना था, उसके बाद अभी ये जो हैंडल बना है यहाँ से ये थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अभी अगर आपको इसको बाय करना है तो आप करंट प्राइस के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं 55.75 के अराउंड। उसके बाद जैसे ही मार्केट खुलती है तो अगर नीचे की तरफ आती है तो अगर 52 पे आपको यहाँ पे IDFC मिलता है देन आप उसको बाय कर सकते हैं। मिनिमम चांसेस इसके कितने हैं नीचे आने के, यहाँ पे 49 रुपीज़ तक ये अपना मिनिमम जो है ये लगा सकता है। 49 के नीचे यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करें तो ट्रेंड लाइन भी हमारी यहीं से यहीं तक मूव कर रही है, तो 49 तक हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर 49 के नीचे आता है देन 48 के ऊपर हमारे पास सपोर्ट है, तो 48 तक सपोर्ट आ सकती है, लेकिन अगर 48 भी ब्रेक कर देता है देन यहाँ से जो हमारा राइजिंग एज पैटर्न था उसका ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ से बहुत ही ये बेरिश ब्रेकआउट होता है, और चांसेस इसके वापस वहीं तक आने के होते हैं जहाँ से ये शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ तक नहीं आएगा, बहुत
नीचे चला गया था उस टाइम पे, 13 रुपीज़ के अराउंड चला गया था, लेकिन चांसेस यहाँ तक आने के भी हो सकते हैं। तो वहाँ से हम इसको इन्वर्स कप एंड हैंडल पैटर्न भी कंसिडर कर सकते हैं इनकेस अगर ऐसा होता है, लेकिन ऐसे चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। अब अगर हम बात करें तो कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो बन चुका है। इसके बाद के जो टारगेट हैं वो 68 रुपीज़ का पहला टारगेट है, 68 रुपीज़ का, उसके बाद 74 रुपीज़ का टारगेट है, देन 81 रुपीज़ का टारगेट है, और देन 90 रुपीज़ का टारगेट है। तो ये चार टारगेट हम लेके चलेंगे, लेकिन जो ऊपर ट्रेंड लाइन है ये एज अ एक्ट करेगी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की। तो यहाँ से अगर प्राइस जाता है तो 74 मैंने यहाँ पे लिया, तो ये 75.65 तक या आगे आगे आते आते ये भी अपनी इसी रेजिस्टेंस के साथ जो है वो आके मिल जाएगा। तो इनकेस अगर ये 74 रुपीज़ तक आता है देन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और दूसरी ट्रेंड लाइन भी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, तो यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। सो बाय कहाँ पे करना है, 52 पे बाय करना है, और इन केस अगर वर्स्ट केस की अगर बात करें तो आपको 49 के ऊपर बाय करना है, 52 के ऊपर बाय करना है, और उसके बाद आपको सेल कहाँ पे करना है, 61 पहला टारगेट हो जाएगा, दूसरा 68 हो जाएगा, तीसरा 74, उसके बाद 431 और फिफ्थ 90 रुपीज़ का टारगेट हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। सो ये थी हमारी IDFC के चार्ट की पूरी एनालिसिस। इसके बाद अगर हम इंडिकेटर्स को चेक करें, अगर RSI को चेक करें तो RSI हमें क्या बताता है वो भी हम यहाँ से चेक करेंगे कि ओवर सेलिंग जोन में है या ओवर बॉट जोन में है। तो ये ना ही ज़्यादा ओवर सेलिंग में है ना ही ओवर बॉट में है, 54 के अराउंड हमें RSI जो है वो देखने को मिल रहा है। सो 54 हमारा डे चार्ट के ऊपर है, अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर भी सेम इसी हिसाब से हमें RSI की वैल्यू भी देखने को मिल रही है। सो अगर मंथली चार्ट के ऊपर भी अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो जो चांसेस हैं वो यहाँ तक ही मेरे को नज़र में आ रहे हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि RSI अभी और जितना ऊपर जा सकता है वो यहाँ पे कंसीडर करके अगर देखें तो RSI 62 तक जाने के उसके मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। अगर RSI इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे बहुत क्विक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है और प्राइस जो है वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऊपर मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस पर्टिकुलर RSI की बात करें जो कि यहाँ से उसने ब्रेक किया था अपने इस RSI ने अपने इस लेवल्स को, तो अगर इन लेवल्स की बात करें तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ से जैसे उसने ब्रेक किया, तो यहाँ से जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद क्या था, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें देखने को मिला था। तो इस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की वजह से यहाँ से प्राइस सीधा जैसे उसने वो अपने इस चैनल में आया वहाँ से मूव कर गया। तो उस टाइम पे जो प्राइस था 30 रुपीज़ के अराउंड था, अभी प्राइस आपको 60 रुपीज़ तक चला गया, तो उसने अपना पैसा जो है वो डबल कर चुका था। सो अब हमें नेक्स्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे अगर हम मंथली के अकॉर्डिंग भी देखें तो मंथली के अकॉर्डिंग भी यहाँ से एक बॉटम एक्सपेक्ट की जा सकती है, और इस बॉटम के अकॉर्डिंग भी जो टारगेट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये टारगेट 68 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो चांसेस अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 68 रुपीज़ का टारगेट हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। उसके बाद मैंने तो जो टारगेट दिया वो 74 रुपीज़ तक का टारगेट दिया कि यहाँ तक इसके पूरे पूरे चांसेस हैं आने के। इनकेस अगर यहाँ पे नीचे आती है RSI, इनकेस अगर RSI आपको 44 या 43 के अराउंड जैसे ही आपको RSI देखने को मिले उस टाइम पे भी आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस यहाँ पे ये हो सकते हैं कि RSI अब यहाँ से वापस नीचे की तरफ अगर मूव करती है देन आपको यहाँ से या एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको मिल सकती है। तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कौन कौन से लेवल्स हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। लेवल्स 35, उसके बाद 48, 52 और 61, ये चार आपके बाइंग जोन होंगे जिसके ऊपर आप ले सकते हैं, और यहाँ से क्विक रिकवरी के चांसेस नज़र में आते हैं। तो यहाँ से फिर से RSI ऊपर की तरफ जा सकता है और हमें RSI के अंदर यहाँ पे एक डबल बॉटम देखने को मिल सकती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि RSI या फिर सॉरी डबल टॉप जो है वो बना सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IDFC प्राइस एनालिसिस वीडियो। सो अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी और स्टॉक या शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर DM कीजिए या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की और ऐसी प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। थैंक यू।